सुबह हो चुकी है और हम तैयार है ग्राउंड जीरो से चैन वी डी फू सिल्वर जुबली डे टू के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, ये हमारा खौर। सुबह सुबह ब्रश करते हुए, सुबह सुबह ब्रश करते हुए, क्योंकि ब्रश सिर्फ खौर लेके आया था तो हम सब उसका ब्रश फितरा मारने वाले थे। ब्रश करने के बाद तुम इतने सुबह देना बारी का इंतजार करते हुए ब्रश आ गया मेरे घर में। उसके बाद नहीं, मैं ब्रश करूंगा, ब्रश करके ब्रश करके दो। काफी ठंड थी सुबह सुबह हमारे जगह के मुकाबले, तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था और ऊपर से ये सन का किस। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं किचन में ये पता करने के लिए कि आज हमारे लिए क्या स्पेशल बन रहा है। और यहाँ आके हमें ये पता चलता है कि आज है संडे स्पेशल, पूरी और आलू चने की सब्जी। तो ये है जैन वी डिफो का किचन, बहुत ही मस्त। और ये है हमारा जिम जो लगता है काफी सालों से बंद ही पड़ा है। और यहाँ हम पहुँच गए हैं अपने नीचे वाले ग्राउंड पे जहाँ हम फुटबॉल और खो खो खेलते थे। और यहाँ इतना बड़ा केला देख के सब चौंक जाते हैं। रामराज कह रहा था ये केला देख के पता चल रहा है जैनवी के बच्चे कितना सुधर चुके हैं, वरना हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं बचता था। एक्चुअली हम इतना देर से घूम घूम के दातून ढूंढ रहे थे और फाइनली हमें नीम का पेड़ मिल गया और रामराज ने तोड़ दिया। और यहाँ मिल रहा था सुबह का गर्मा गर्म चाय, तो हम आ गए चाय पीने, बट हमारे पास कप नहीं थी तो हमने सोचा अब क्या करें। फिर हमने लगाई पुरानी टेक्निक और बोतल लेके आ गए और बच्चे ये देख के हंसने लगे, तो हमने कहा ये तो अभी छोटा है। ये छोटा बोतल है भाई, तो 2 लीटर में भरा रहा था। अरे ये छोटा बोतल है। और ये है हमारे टाइम की जीप जिसे अब म्यूजियम में रखा गया था। और यहाँ क्लासरूम्स में पूरा सारे जगह नेट लग चुका है, बच्चे अब क्लास बंक नहीं कर सकते हैं हमारी तरह, हमारे टाइम में पूरा सब कुछ खुला हुआ था। और ये है हमारे बैच की फ़ोटो, ये प्रिंसिपल सर एम के जगदीश और सिंह सर भी थे वहाँ। और यहाँ है हमारे टॉपर्स के लिस्ट क्लास 10 और 12 के। और हम अब जा रहे हैं क्लासरूम विजिट करने, उससे पहले चलते हैं वॉशरूम हमारा, देखते हैं कैसा है। वो पहले वाला ही स्मेल अभी भी था। ये तो बहुत पहले का लिखा है, हम तो सब बहुत खुश होते हैं यहाँ आके। और हम अब चलते हैं क्लासरूम्स, देखते हैं कैसे हैं। ये है हमारा क्लासरूम, हम यहाँ क्लासेस करते थे और यहाँ का व्यू बड़ा ही मस्त, बहुत अच्छा लग रहा था। सच में वो दिन भी क्या दिन थे, बहुत ही मस्त लग रहा था ये सब देख के। क्या ही फीलिंग्स थी यहाँ की, इतने सालों बाद आके भी सब कुछ अपना अपना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं गए ही नहीं, जैसा बहुत दिनों बाद अपने घर आके फील होता है, बस वैसा था सब कुछ। और हम पहुंच चुके हैं अब यहाँ के मैथ्स गार्डन में, देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे सारे ज्योमेट्रिक शेप्स बनाए हुए हैं, तो देखिए बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे उनका फॉर्मूला सारा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ के वॉल्स में भी पूरा मैथ्स के फॉर्मूले सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। फिर से बोलो इसका फॉर्मूला, फिर से बोलो इसका फॉर्मूला, फिर से बोलो। द एंगल, द एंगल मेड बाय मी इज डबल देन एंगल मेड बाय यू। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा ये गार्डन था, मतलब वो यहाँ फील करके पढ़ सकते थे सारा कुछ। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं।
A rectangular field having 30 meter length and wide 22 meter, two mutually perpendicular roads of wide 2.5 meter are drawn, then find the area of the path. Please drop down the answer in the comment section. और हम अब आ चुके हैं मार्च पास करने। शायद हम लोग का ही बैच होगा इस एलुमनाई मीट में जो सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है जेएनवी को। नहीं पहले कमेंट करो ना। दुकान नंबर प्लेटून सामने से तेज चल लेफ्ट राइट। अरे बंदा नहीं मजा सामने से तेज चल लगा कर दो सारे से कैसा उसको साले कलम करने के लिए दाले ले ले के सेल्फी मारते हैं। कौन सेल्फी मारा कौन सेल्फी मारा। और ये है हमारा स्मार्ट क्लासरूम। और अब हम चलते हैं बहुत ही यादगार जगह। यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था बट अभी हमें दिख नहीं रहा है। बाद में पता चलता है कि वो छुप गया है उस जंगल के पास। और ये है हमारा गर्ल्स हॉस्टल जो पूरा दिखता था इस कुएं से हम नहाते थे। तो बहुत सारी यादें हैं यहाँ के बहुत कुछ। और हम और घूमते हैं पूरा जेएनवी को एक्सप्लोर करते हैं। ये सामने है हमारे टाइम के स्कूल कैप्टन जेएनवी के मिस्टर कांगथिर मलिक। वो हमें कमांड कर रहे हैं। और यहाँ से हम बिरला जाते थे मार्केट वाल जम करके जेएनवी का। मंजी कुछ बोल रहे हैं मिलोगे कितना मार मार के लगा था क्या बैंक बैंक खाने के लिए खेले नहीं खेले तू ही ना तू साला छोड़ के चल गए बहुत मिस कर रहे हैं तू कुछ देख ना बैंक खा सिंह सर नहीं है फिर उनका नारा भी किसी ने। और ये है सिंह सर का पोमीग्रेनेट। तो अगर सिंह सर कहीं से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका पोमीग्रेनेट अभी भी जिंदा है। नीलगिरी हाउस का सबसे बड़ा पेड़ जो अब कट चुका है ये है नीलगिरी हाउस। और यहाँ हाउस के पीछे काफ़ी साफ लग रहा था अभी। और हम आ चुके हैं अभी हाउस के अंदर बच्चे लोगों का रूम देखने। अभी ऊपर सीनियर के रूम में जा रहे हैं। सीनियर्स यहाँ रहते थे नीचे जूनियर्स। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सब कुछ। और ये देखिए क्या पड़ा हुआ है। तो कुछ याद आ रहा है हमारे टाइम में तो बहुत यूज़ थी इस चीज़ की बट अभी शायद नहीं है तो इसलिए फेंका हुआ है। और हम आ चुके हैं मैस के सामने। यहाँ बच्चे लोग अपना अपना प्लेट रख के मॉर्निंग असेंबली के लिए गए हैं। मॉर्निंग असेंबली ख़त्म होते ही बच्चे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है अंदर खाने के लिए। तो ऐसा ही होता था हमारे टाइम पे भी। सब कुछ रिलेट हो रहा है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हमें हमारी ब्रेकफास्ट मिल गई और हम खाने लगे। ये है रोहित भैया। और अब हमारी लड़कियाँ हमें ज्वाइन कर लेती हैं तो हम फिर से घूमने लगते हैं। और हम आ जाते हैं प्लांटेशन के लिए। तो सब लोग मिल के प्लांटेशन करते हैं बहुत अच्छा लगता है। एकदम हरा भरा सुखा हुआ क्या सुखा हुआ।
और मैं अब आपको लेके चलता हूँ गर्ल्स हॉस्टल। ये है हमारा गर्ल्स हॉस्टल। वाह, क्या हुआ, सब रुक क्यों गए? ओह, मैं तो भूल ही गया, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू द गर्ल्स हॉस्टल। ये जगह थोड़ी इमोशनल है। यह है कॉन्डोलेंस कॉर्नर। जेएनवी के जितने भी स्टूडेंट थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे हमारे साथ, उनको याद किया जा रहा था, उनको सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अच्छा भी लगा इन सबको देख के, हमारा स्कूल किसी को नहीं भूला। सिल्वर जुबली में इन सबको भी याद किया गया। तो अब हमारे ग्रुप में और एक बंदा आ चुका था, बीमो, सबसे फेमस। और हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बट जहाँ भी जा रहे हैं मज़ा तो आने वाला है बहुत। काफ़ी अच्छा व्यू था बाहर का, बहुत मज़ा आ रहा था। और हम पहुंच जाते हैं लेंगबोकु वाटरफॉल। अभी बोलो कुछ चैलेंज के लिए बोलो। दिल से बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सब दोस्तों को, बहुत अच्छा लगा मिल करके। ये भी बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर में आपका मिले ना मिले, लेकिन अभी क्या है, लेकिन हम मिलेंगे बार बार। पूरा एंजॉय किया हमने, बहुत ही मज़ा आया, बहुत सबने खुल के एंजॉय किया। बहुत मज़ा लगा दोस्तों के बीच में, दोस्तों के जीवन में फिर से मिले ना मिले, हो गया हो गया, लेकिन इस मोमेंट को बहुत एंजॉय किया, फिर बहुत एंजॉय किए। लगता है खौर भैया भावनाओं में बह गए हैं। चलो चलते हैं, अभी देखते जाते हैं ना लास्ट। यहाँ पास में ही एक वाटरफॉल है, तो हम लोग के ग्रुप में डिबेट हो जाता है। कोई कहता है जेएनवी जाना है, कोई कहता है वाटरफॉल देखने जाना है। तो मेजॉरिटी विंस और हम निकल पड़े वाटरफॉल देखने। रास्ता थोड़ा ठीक था, मतलब थोड़ा डेंजरस भी था, लेकिन ठीक था, चढ़ सकते हैं आराम से। ये हमारा जगन्नाथ। देखिए तो सब लोग यहाँ पूरा एंजॉय कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सब बोलो So beautiful, so elegant.
और यहाँ ऊपर ध्यान से देखिए, दो एलियन दिख रहे होंगे, दूसरे गोले के हाथ हिला रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, वो थे हमारे मिथिलेश और जग्गू। और इन लोग का तो एंजॉयमेंट ख़त्म ही नहीं हो रहा था, सब लोग गुस्सा हो रहे थे, जैन भी जाना है और इन लोग पूरा मज़ा ले रहे थे। जहाँ भी वाटरफॉल थोड़ा सा दिखता था वहाँ कूद पड़ते थे। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं जैन भी, खाना खाने बैठ गए हैं। ये है बीमो, रुनीता, खौर, जग्गू, ये है इंद्रजीत, चार्लिन, इमना और मंजी। इधर प्रिस्का और चिचिन भी है। और खाना खाने के बाद हम पहुंच चुके थे क्रिकेट खेलने, मतलब थोड़ा भी रेस्ट नहीं, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे। जेनवी में जितना भी टाइम था पूरा एंजॉय करके जाना चाहते थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और रामराज है हमारा बेस्टमैन और बच्चे लोग गेंद फेंक रहे हैं, तो एंजॉय। और यहाँ पे कुछ होता है, देखिए रामराज ने ग्लास तोड़ दिया, रामराज ने यात्रा कर दिया ग्लास का। और हमारे रामराज ने, ये देखिए, ये ग्लास तोड़ने का उद्घाटन शुरू कर दिया है जेएनबी में आते ही। ये रहा हमारा ब्लाइंडर बेसमैन जो ग्लास तोड़ सकता है। कैच कैच। और ये हमारे गेंदबाज तैयार होते हुए गेंद के लिए, बैट्समैन तैयार, गेंदबाज तैयार, अगली बॉल, और ये छक्का, ठीक है ना, छक्का हो गया, बोरा बोरा बोरा। और शाम को हम पहुंच चुके हैं असेंबली ग्राउंड में। यहाँ असेंबली होना है, सारे बच्चे लाइन पे, सभी हाउस के कैप्टेंस अपने हाउस का रिपोर्ट बोल रहे थे। मतलब क्या ही बताओ यार, क्या ही फीलिंग थी यहाँ की, एकदम गूज़बम्प्स आ रहे थे। हम वहीं खड़े थे जहाँ हम हमेशा खड़े होते थे असेंबली के लिए, और हमने बाद में नवोदयन प्रेयर भी गाया, तो बहुत ही अमेजिंग था ये फीलिंग। एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे सबके। और हम पहुंच चुके हैं प्रोग्राम में। यहाँ पे सभी एलुमनाइज बच्चों को मोमेंटो दिया जा रहा था, सबको बुला रहे थे। ग्रीन बोरा शुभम सुब्रदास फिर हमारे बैच को भी बुलाया गया, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। रामराज चौहान, राहुल प्रसाद, चरलीन रोपी, चिचिन गुजे, इमना वापंग जमीन, डॉक्टर प्रिस्का इंटीपी, मंजी पटेल, जगन्नाथ काटेवाला काटेवाडा, दिनी दिमित जिगू, शेरली एरोपी, चंद्रशेखर राम, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट विचित्रा रोपी। दे ऑल आर फ्रॉम 11 बैच, दे विल हैव अ फोटो सेशन। फिर हम सब निकल के पान खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, कौन कब बुला रहा है, कौन कब शादी कर रहा है। बहुतों की शादी हो चुकी है। यह है डेमी जो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, और बहुत कुछ। अभी भी हो सकता है, तुम लोग हेल्प करो, अभी भी अकेला है वो।
फिर हम आ जाते हैं प्रोग्राम देखने। यहाँ पे सारे कल्चरल डांसेस होते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत ही मज़ा आता है, हम बहुत ही इंजॉय करते हैं सब कुछ। काफ़ी सारी मेमोरीज़ फिर से जुड़ चुकी थी। एक तो पहले से ही जैन भी इतना प्यारा था और ऊपर से नई मेमोरीज़ ऐड हो रही थी, इतनी सारी नई मेमोरीज़, इतना मतलब बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमने बहुत इन्जॉय किया, शायद सबसे ज़्यादा। ये जगह सच में बहुत प्यारा है। हम जब पहली बार यहाँ पढ़ने आए थे तो शायद लगा था कि पता नहीं रह पाएंगे या नहीं, बट एक बार अगर आप जैन भी आ गए और रह लिए फिर उसको आप कभी नहीं भूल सकते। ये सच में अमेजिंग है। वी लव यू जैन भी। जैन भी से जाने का वक्त आ चुका था, बट इन दो दिनों में हमने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया है, बहुत मज़े किए हैं, बहुत मस्ती करी है। मतलब सबसे अच्छा तो लगा ये कि हम सभी दोस्त एक साथ हो पाए, एक साथ मिल पाए, टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़े किए। वो अमेजिंग था यार, दोस्तों के साथ मिलना इतने सालों बाद। और अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, इट्स इन माय प्लेलिस्ट। और यहाँ पे हमारा थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया है। तो कुछ ऐसा रहा हमारा जैन भी का ट्रिप, और ये कुछ तस्वीरें हमारे जैन भी के टाइम के। तो बहुत ही मज़ा आया हमें वहाँ पे। और मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा अपने उन दोस्तों को याद करते हुए जो अब हमारे साथ नहीं हैं। आप सब हमेशा हमारे दिल में रहोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।